अब रुक करते हैं इस वक्त की आ रही बड़ी और दुखद खबर की ओर। नहीं रहे कांग्रेस के चाणक्य। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल का निधन हो चुका है। 71 वर्ष की आयु में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। भरूच में 21 अगस्त 1949 को उनका निधन जन्म हुआ था। अहमद पटेल का वर्ष 1976 से लगातार राजनीति में सक्रिय रहे हैं। अहमद पटेल भरूच के निकाय चुनाव में जीत के साथ हुई राजनीतिक करियर की शुरुआत। गुजरात की अलग अलग सीटों से 7 बार सांसद रह चुके हैं अहमद पटेल। 3 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा से सांसद रहे वो। पार्टी में अहमद पटेल की भूमिका रही बेहद महत्वपूर्ण। पार्टी के हर बड़े फैसलों में जरूरी ली जाती थी उनकी राय। सोनिया के साथ ही वे राहुल गांधी के भी काफी करीबी नेता रहे। गांधी नेहरू परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं अहमद पटेल। लंबे समय से पटेल ने कांग्रेस को बांधे रखा था एक सूत्र में। वर्ष 2001 से सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी अहमद पटेल थे। अगस्त 2018 में अहमद पटेल को नियुक्त किया गया था AICC का कोषाध्यक्ष। केंद्र में UPA सरकार के वक्त हर छोटी से बड़ी समस्याओं को सुलझाने में वो आगे रहे। खासकर पार्टी और सरकार के बीच के मतभेद सुलझाने में उन्होंने सेतु का काम किया। कांग्रेस में नंबर 2 की भूमिका में माने जाते हैं अहमद पटेल। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। राजनीति के चाणक्य अहमद पटेल का निधन हो चुका है। उनके बेटे फैजल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अहमद पटेल। 71 वर्ष की आयु में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। भरूच में 21 अगस्त 1949 को उनका जन्म हुआ था। वर्ष 1976 से वे लगातार राजनीति में सक्रिय थे। भरूच के निकाय चुनाव में जीत के साथ राजनीतिक करियर की उन्होंने शुरुआत की। गुजरात की अलग अलग सीटों से वे 7 बार सांसद रहे। 3 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा से वे सांसद रहे। पार्टी में अहमद पटेल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। पार्टी के हर बड़े फैसलों में उनकी राय जरूर ली जाती थी। सोनिया के साथ ही वे राहुल गांधी के भी काफी करीबी नेता रहे। गांधी नेहरू परिवार के काफी करीबी नेता और काफी करीबी वो माने जाते हैं। लंबे समय से पटेल ने कांग्रेस को बांधे रखा था एक सूत्र में। वर्ष 2001 से सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी थे अहमद पटेल। अगस्त 2018 में अहमद पटेल को AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष और केंद्र में UPA सरकार के वक्त हर छोटी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में वे आगे रहे। खासकर पार्टी और सरकार के बीच के मतभेद सुलझाने में उन्होंने सेतु का काम किया। कांग्रेस में नंबर 2 की भूमिका इनकी मानी जाती है। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खबर को सुनने के बाद शोक जताया है। उन्होंने कहा, अहमद पटेल जी के निधन से दुखी। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कई साल बिताए हैं, समाज की सेवा की है। अपने तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे अहमद पटेल। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में उनकी भूमिका हमेशा याद रखी जाएगी। पुत्र फैसल से बात कर उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त की। अहमद भाई की आत्मा को शांति मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया और उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए आपको बताते हैं। अहमद पटेल जी के निधन से दुखी हैं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कई साल बिताए हैं, समाज की सेवा की है। अपने तेज दिमाग के लिए वे जाने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में उनकी भूमिका बेहद अहम है हमेशा, और ये भूमिका उनकी याद रखी जाएगी। पुत्र फैसल से बात कर उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त की और अहमद भाई की आत्मा को शांति मिले, ये प्रार्थना भी की। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक जताया और उन्होंने कहा, दिग्गज कांग्रेसी नेता और मित्र के असामयिक निधन से धक्का लगा है। कांग्रेस और मेरे जैसे सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पार्टी में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारी न्यूज एडिटर अदिति दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है। जानते हैं उनसे इस खबर के बारे में और जानकारी। देखिए आयुषी, रात 3:30 बजे उनका निधन हो गया। उनके बेटे फैजल ने ट्वीट करके बताया और बहुत लंबे समय से, करीबन 45 दिनों से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। पहले मेट्रो हॉस्पिटल में थे,
उसके बाद वो एक बार घर वापस आ चुके थे और घर पहुंचने के बाद भी वो केस बिगड़ गया। कहते हैं कि वो कोविड से जब रिकवर हुए उसके बाद वो अपने कामों में लग गए, जैसे उनकी आदत थी, लोगों से मुलाकात करनी शुरू कर दी, रेस्ट कम करना शुरू किया और उसके ठीक करीबन 2 से 4 दिन बाद वो रिलैप्स हुआ और उसके बाद उनको मेदांता शिफ्ट किया गया। अभी भी वो मेदांता में थे और पिछले 10-15 दिनों में वो वेंटिलेटर पे चले गए थे। वेंटिलेटर पे जाने के बाद भी उनकी तबीयत में बीच में सुधार आता, फिर वापस बिगड़ जाती तमाम चीजें थी, लेकिन करीब 3 दिन से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं था और आज रात 3:30 बजे ये जो उनके बेटे फैजल ने ट्वीट करके बताया। देखिए, कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है, गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए, लेकिन देश की पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। अहमद पटेल राज्यसभा सांसद हैं और आज मतलब जिस तरीके से अहमद पटेल ने इस देश की पॉलिटिक्स को कंट्रीब्यूट किया है, और अगर मैं यहाँ गांधी परिवार की बात करूं तो शायद गांधी परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा उतना ही झटका वाला दिन है जब उनके खुद के परिवार के लोग, जब यह हादसा हुआ होगा शायद उतना ही झटके वाला दिन गांधी परिवार के लिए है। और अगर मैं अशोक गहलोत की बात करूं तो अशोक गहलोत के दोस्त थे, मेंटर थे, साथी थे और दोनों एक दूसरे के हर चीज में सुख दुख में और आपस में बातचीत किया करते थे, तो आज अशोक गहलोत के लिए भी बहुत ज्यादा, और पूरी कांग्रेस में जब भी किसी को भी किसी भी तरह की जरूरत होती थी, किसी भी तरह की राय मशवरे की जरूरत होती थी, तो वो अहमद पटेल के घर पहुंच जाते थे और अहमद पटेल से राय मशवरा करते थे। कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेकर राहुल गांधी की कोई भी मशवरे की जरूरत होती थी। तो देखिए, बहुत लंबा उनका करियर था और ये अनटाइमली डेथ है और अभी अहमद पटेल को बहुत कुछ करना था और अहमद पटेल को कांग्रेस को एक बार फिर से बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाना था। और एक उनका जिस तरह का स्वभाव था, किसी भी स्थिति में एकदम सम रहना, दुख हो सुख हो एक सम रहना और इतने होपफुल, इतने पॉजिटिव रहना, और यही वजह थी कि उनको ये माना जाता था कि वो कंधे हैं, उनको किसी की कोई भी तकलीफ हो, दुख हो, कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा हो, कोई दिशा नहीं मिल रही हो, तो वो अहमद पटेल को अपना से राय मशवरा करते थे। तो बेहद आज दुख की घड़ी है और जाहिर तौर पे पूरे पॉलिटिकल जो ये सिनेरियो है, इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा क्षति अहमद पटेल के रूप में। पावर सेंटर ऑफ कांग्रेस माना जाते थे, ब्रेन ऑफ कांग्रेस माना जाते थे, स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ कांग्रेस माना जाते थे और आज से नहीं, किस बहुत लंबे समय से उन्होंने कांग्रेस को दिशा दी। और अभी भी जब जब भी कांग्रेस के एक बार फिर से खड़े होने की बात होती थी, एकजुटता की बात होती थी या कांग्रेस में कोई भी डिसीजन होता था, वो अहमद पटेल के हाथों से होकर गुजरता था। तो बहुत बड़ा झटका है ये इंडियन पॉलिटिक्स को और आज देर रात 3:30 उनका निधन हो गया और वो हॉस्पिटल में, गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थे। और ये जो दूसरी बार जब कोविड रिलैप्स हुआ तब से ही चीजें क्रिटिकल ज्यादा होने लगी और आज का दिन पूरे देश के लिए बेहद दुख भरा दिन होगा। जी अदिति, कह सकते हैं कि इसे भारतीय राजनीति और कांग्रेस पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति ये है। बिल्कुल, देखिए मैं वही कहना चाह रही हूँ कि अपूर्णीय क्षति है ये और शायद जिस तरह का, देखिए ऐसा था नहीं कि वो बहुत लंबे समय से कोविड से बीमार थे और वो ठीक होके भी आ गए थे और जिस तरह का अभी हमको काम करने थे और कांग्रेस की और आगे आने वाले समय में जो पॉलिटिकल सिनेरियो आने वाले थे उसमें जो अहमद पटेल की जरूरत थी भारतीय राजनीति को भी, कांग्रेस को भी, गांधी परिवार को, वो एक बहुत बड़ा गैप वॉइड छोड़ के जाएगा। और शायद गांधी परिवार को तो ये समझने में और संभलने में भी समय लगेगा कि किस तरीके से, क्योंकि इतनी डिपेंडेंसी कांग्रेस की अहमद पटेल के ऊपर थी कि और मैं अगर राजस्थान की बात करूं, ये बहुत शायद रेलेवेंट बात नहीं होगी, लेकिन राजस्थान में भी अगर कोई बड़ा डिसीजन पेंडिंग था तो वो अहमद पटेल से होकर ही गुजरता था। तो बेहद झटके भरा दिन है और सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि राज्यसभा सांसद थे, राज्यसभा में भी जब वो खड़े होते थे बोलते थे तो बहुत गंभीरता से उनको सुना जाता था और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से। और बिल्कुल आज का दिन बेहद ज्यादा दुख भरा दिन है भारतीय राजनीति।
जी बिल्कुल, बेहद दुख भरा ये दिन है। और अगर अदिति बात की जाए, उन्होंने सदैव एक सेतु के रूप में काम किया है सरकार और पार्टी के बीच में, तो किस तरीके के अहम फैसले उन्होंने अपने जीवन काल में लिए थे? और इस वक्त बहुत ही दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं, राजनीति के चाणक्य अहमद पटेल का निधन हो चुका है। आज सुबह 3:30 बजे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बेटे फैजल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। उनकी दुख भरी ये खबर सुनकर प्रधानमंत्री मोदी, अशोक गहलोत ने ट्वीट कर संवेदना जताई, वहीं बेटे फैजल से बात कर श्रद्धांजलि व्यक्त की। अगर बात की जाए अहमद पटेल की, तो कांग्रेस के वे वरिष्ठ नेता हैं और 71 वर्ष की आयु में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आज अंतिम सांस ली। भरूच में 21 अगस्त 1949 का उनका जन्म हुआ था। वर्ष 1976 से वे लगातार राजनीति में सक्रिय रहे थे। भरूच के निकाय चुनाव में जीत के साथ ही राजनीतिक करियर की उन्होंने शुरुआत की। इसी खबर पर और जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ योगेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बड़ी ही दुखद खबर इस बार मिल रही है। देखिए, अहमद पटेल एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत थे जो कांग्रेस पार्टी की बैकबोन कहे जाते हैं। अहमद पटेल को लेकर हम ये कह सकते हैं कि कई ऐसे कांग्रेस की राजनीति में ऐसे क्षण आए जब अहमद पटेल एक ऐसी ताकत के तौर पर गांधी परिवार के पीछे खड़े रहे, जब गांधी परिवार को उसकी आवश्यकता थी। राजीव गांधी का जब निधन हुआ और बेहद आत्मघाती हमले में उनकी मौत हो गई, उनको मार दिया गया, और गांधी परिवार एक ऐसा क्षण देखा जो उस यू कहा जा सकता था कि सोनिया गांधी विचलित हो चुकी थी, बच्चे उनके छोटे थे, राहुल और प्रियंका, और सोनिया गांधी ने राजनीति में आने से उसके बाद भी इनकार कर दिया था और ना वो चाहती थी कि वो राजनीति में आए। और कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अलग तरह का उफान उस समय पैदा हो गया था। आगे चलकर गांधी परिवार के वफादारों ने कांग्रेस तिवारी का गठन कर लिया था और देर सवेर गांधी परिवार के अंदर ये बातें बुलंद होने लगी थी कि सोनिया गांधी को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन वो तैयार नहीं थी क्योंकि इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया था और राजीव गांधी भी चले गए थे। तो ऐसे में सोनिया गांधी को लगता था कि राजनीति में आना ठीक नहीं है। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब अहमद पटेल और गांधी परिवार के वफादारों ने सोनिया गांधी को मनाया और उनका राजनीति में प्रवेश हुआ। सीताराम केसरी को हटाया गया और सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इस दरमियान जो कुछ घटा और जो कुछ देखने को मिला, अगर जनपद पर जो सारी तमाम सियासी घटनाक्रम हुए, कांग्रेस के अंदर का उतार चढ़ाव हुआ, वो सब अहमद पटेल की निगाहों से निकला। अहमद पटेल सोनिया गांधी, गांधी परिवार के वफादार के तौर पर सदैव नजर आते रहे और क्यों कहा जा सकता है कि अहमद पटेल वो शख्सियत रहे जिनके कारण सोनिया गांधी का राजनीति में प्रवेश ही ना हुआ, बल्कि वो एक विराट राजनीतिक शख्सियत के तौर पर कांग्रेस पार्टी की लीडर बनकर आई और यूपीए सरकार का निर्माण हुआ। यूपीए सरकार मनमोहन सिंह की 2 बार सरकार बनी। और दूसरा एक बहुत बड़ा पहलू इसको लेकर हमको बात करनी बहुत जरूरी होगी, जब यूपीए सरकार बनी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बहुत ही चमत्कारिक प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई। अब सवाल जब आया कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, कौन प्रधानमंत्री होगा, और पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर ये मांग तेजी से उठी क्योंकि सोनिया गांधी के लीडरशिप में ही कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी सीटें मिली थी,
तो ये बात बुलंद होना लाजमी था कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री होगी, लेकिन तभी शरद पवार और कुछ अन्य नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी के विदेशी मुद्दे को लेकर आवाज दी और सुषमा स्वराज ने इस मामले को लेकर मीडिया के अंदर कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा, और सोनिया गांधी क्योंकि वो उनका जन्म इटली में हुआ था और शादी उनकी राजीव गांधी से हुई थी, लेकिन वो मूल रूप से भारत की रहने वाली नहीं थी, और इस मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद कर दी गई विरोधियों की ओर से और गांधी परिवार के सदस्य को प्रधानमंत्री बनने से रोकने को लेकर ये तमाम सियासी घटनाक्रम चला। उस समय जब प्रधानमंत्री को लेकर ये सब बातें उठी और प्रधानमंत्री कौन होगा, तब अहमद पटेल जो कि सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे उस समय, और नाम सोचा गया कि आखिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा, प्रणब मुखर्जी रेस में सबसे आगे थे और प्रणब मुखर्जी के नाम की चर्चाएं थी और भी कुछ नाम सामने आ रहे थे, काफी लंबा सोच विचार हुआ और अहमद पटेल सरीखे नेता जो कि कहे जाते हैं कि ऐसे वक्त पर संकट के इस वक्त पर तर्कश से एक ऐसा तीर लेके आए, इसका नाम था मनमोहन सिंह, और आगे चलकर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की पसंद के आधार पर प्रधानमंत्री बनाए गए देश के, और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन बनी। अहमद पटेल गांधी परिवार के लंबे समय तक वफादार ही नहीं थे बल्कि एक थिंक टैंक के तौर पर थे, चाणक्य उन्हें कांग्रेस पार्टी का कहा जाता था, लेकिन वो कांग्रेस के फंड को बनाने वाले थे, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के साथ ही कांग्रेस के इस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर तमाम संगठन की गतिविधियां चलती थी, उन सबको भी बनाने का काम वो करते थे। राजस्थान से अहमद पटेल का एक अलग तरह का रिश्ता था, राजस्थान की ABCD वो अच्छी तरह जानते थे, राजस्थान की कांग्रेस की पॉलिटिक्स को वो अच्छी तरह जानते थे, और कई मौके ऐसे आए जब हम यूं कह सकते हैं कि जिनको लेकर बात की जा सकती है। जब पहली बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, तब अशोक गहलोत से बहुत सीनियर नेता राजस्थान के कांग्रेस के अंदर मौजूद थे जिनको लेकर अटकलें थी, अशोक गहलोत का नाम मुख्यमंत्री की रेस में था, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता था कि वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि परसराम मरीना, पंडित नवल किशोर शर्मा, रामनिवास मिर्धा, नटवर सिंह, राजेश पायलट, ये तमाम वो नाम थे जिनको लेकर चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही थी कि वो मुख्यमंत्री इनमें से हो सकता है, लेकिन युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना था और युवा नेतृत्व के तौर पर कौन हो सकता है, उसमें फिर आगे चलकर नाम अशोक गहलोत का आया। अशोक गहलोत बने, इसके पीछे भी अहमद पटेल का राजनीतिक चातुर्य था, और आज अशोक गहलोत तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री है, लेकिन जब पहली बार बने थे उस समय अहमद पटेल का भी अपना योगदान था, और आज तीसरी बार बने उसमें भी अहमद पटेल का अपना योगदान है। तो ये एक अलग तरह का सफर अहमद पटेल का राजस्थान की राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है। राजस्थान की राजनीति को बेहद करीब से वो जानते थे और यहाँ के नेताओं से उनके एक कहा जा सकता है कि आत्मीय रिश्ते सदैव रहे। राजस्थान का अकलियत से जुड़ा नेता तो अहमद पटेल के यहाँ पर उनका आना जाना बहुत ही आसानी से रहता था, वो जाते थे और उनसे मिलकर आते थे, और इसके साथ ही जो कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता है उनका भी अहमद पटेल से जुड़ाव था, सबसे उनका मिलना रहता था। एक डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पर उनकी छवि हमेशा रही, वो आभा मंडल से दूर रहकर एक अलग तरह की राजनीतिक शख्सियत के तौर पर उनकी हमेशा भूमिका रही। जब बात हम गांधी परिवार की करते हैं, राजीव गांधी की करते हैं, संजय गांधी करते हैं, तो एक लंबा सफर गुजरात के भड़ूर से निकलकर और दिल्ली के सियासी गलियारों और लुटियंस जोन की एक बड़ी ताकत के तौर पर अहमद पटेल का अपना एक राजनीतिक आभा मंडल था, जिसको लेकर यूं कहा जा सकता है कि
जनपद के जो फैसले होते थे उन फैसलों में अगर अहमद पटेल ना हो तो फैसले होते नहीं थे। अहमद पटेल जो तय करते थे वही आगे चलकर जनपद की आज से फरमान जारी किए जाते थे, एक दौर ऐसा था। और अहमद पटेल की इस राजनीतिक ताकत को कई बार कम करके या कह सकते हैं कई बार उसको काटने के प्रयास भी किए गए। जब राहुल गांधी अध्यक्ष बने उस दरमियान ऐसी ताकतों ने यूं कहा जा सकता है कि अंदरूनी तौर पर आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया था। और यही कारण है कि अहमद पटेल को कुछ समय के लिए पदों से हटाया भी गया था, या यूं कह सकते हैं कि उनको पावर लेस करने के प्रयास भी हुई। फिर बाद में जब सोनिया गांधी को लेकर अस्थाई अध्यक्ष उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और राहुल गांधी ने पद छोड़ दिया, फिर से मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ होगी और कांग्रेस का जो कोषाध्यक्ष है वो उनको बनाया गया और मोतीलाल वोरा जो लंबे समय से कोषाध्यक्ष थे उनको हटाकर और अहमद पटेल को लाया गया। तो ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं और निश्चित तौर पर जो व्यक्ति ताकतवर होता है, जो अपने राजनीतिक चातुर्य के इजारे जाता है और जो लंबे समय से तृणमूल बना रहता है उसके खिलाफ आवाज़ें बुलंद होती है, वो अहमद पटेल के खिलाफ भी हुई। लेकिन वो हमेशा उन तमाम झंझावातों से निकलकर और वो एक मजबूत शख्सियत साबित हुई। और गुजरात की राजनीति की बात करते हैं तो गुजरात की राजनीति में जब अहमद पटेल अभी राज्यसभा के सांसद बने थे और मात्र एक वोट से वो चुनाव जीते थे सांसद का, और उस समय खुद बड़े बीजेपी के दिग्गज उस चुनाव के रणनीति के मुताबिक वहीं बैठे हुए थे अहमदाबाद में, और लेकिन जीत अहमद पटेल की हुई थी। तो वो एक ऐसा राजनीतिक क्षण था इसको लेके कहा जा सकता है कि उनकी जीत की बात कोई नहीं कर रहा था, फिर भी अहमद पटेल ने चुनाव जीता और ये वाकई में अपने आप में काबिले गौर था। और उस पूरे चुनाव को कंडक्ट अशोक गहलोत भी कर रहे थे, वो भी हुई थे। और अशोक गहलोत का जब हाल ही में जो राजनीतिक तौर पर फिर से कमबैक हुआ था, या यूं कह सकते हैं कि फिर से एकदम से वो चर्चाओं में आए थे विधानसभा राजस्थान की विधानसभा के चुनाव से पहले, तो गुजरात उसका एक बड़ा कारण बना। अहमद पटेल ही वो शख्स थे जो अशोक गहलोत को गुजरात का प्रभारी चुनाव में प्रभारी बनाकर लिखे थे। उन्होंने आलाकमान को सुझाव दिया था गुजरात के लिए अशोक गहलोत को प्रभारी बनाकर भेजा गया और अहमद पटेल की बात को ही आगे चलकर माना गया। और अशोक गहलोत जो गुजरात चुनाव में प्रभारी बनकर गए तो वो चुनाव ही बहुत अलग तरह का चुनाव था और बहुत ही अच्छा कांग्रेस का परफॉर्मेंस वहां पर रहा। ये अलग बात है कि सरकार कांग्रेस की बड़ी नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रभाव छोड़ा और अशोक